अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी में प्रचार प्रसार करेंगे। दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर के नहटौर में अखिलेश यादव की जनसभा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अखिलेश यादव जो है पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस खबर की और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। उमंग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग, जिस तरह से देखा जा रहा था इंडिया गठबंधन को लेकर, कहा जा रहा था कि तैयारियां नहीं शुरू हो रही, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, तो उसी के चलते हम देख सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं एक्टिव अलर्ट मोड में आ गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास इस दौरान हमें देखने को मिलने वाला है? जश्मिता, देखिए बिल्कुल साफ तौर से इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की कमान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सौंपी थी। भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ जनसभाओं के बीच लगातार मन से जो भाजपा के नेता थे वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर इंडिया गठबंधन के नेता जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो विजय रथ है उसको किसी भी हाल में किसी भी दशा में इस बार रोक कर रहेंगे, तो आखिर वो नेता है कहाँ। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में ईद के त्योहार के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी चुनावी जनसभाओं का आगाज करेगी। आपको बता दें कल पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा की, जहां पे उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही आज पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तीन बड़ी जनसभाएं हैं, जहां पर वो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनको वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए जो चुनावी जनसभाएं हैं अश्मिता, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं है, तो ऐसे में भाजपा का जो किला है उसको भेदना इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में अब आसान नहीं रह गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चुनावी जनसभाओं का आगाज करने में काफी देर कर दी है। क्योंकि अब जब समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं शुरू हुई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा लोकसभाओं में पहुंचकर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने का काम किया है। इसके साथ ही अभी स्थिति यह भी साफ नहीं हुई है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब बड़ी चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे, इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इन चुनावी जनसभाओं में आएंगे, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के वो कौन से बड़े नेता है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मंच पे नजर आएंगे, इन चीजों पर अभी भी संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है अश्मिता वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से दोनों ही दलों के लिए प्रचार प्रसार अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में एक चीज ये भी देखने को मिल रही थी, दोनों दल के कार्यकर्ता जो थे उनके दलों के जो नेता थे उनके बीच में जिस तरह से आपसी सामंजस्य की कमी नजर आ रही थी, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए लगातार अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, इसके साथ ही यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था, लेकिन जब बड़े नेता कोई नजर नहीं आ रहे थे तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के जो हौसले थे वो भी कम होते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभाओं में हुंकार भरने की शुरुआत कर दी है। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी जनसभाओं का रोड मैप जो है वो तैयार किया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका साफ तौर से कहना है, नेताओं का साफ तौर से कहना है कि अभी प्रथम चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है वो उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर पहुंचकर अपनी चुनावी जनसभाओं में हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सहयोगी दल है उनके ऊपर हमलावर रुख अख्तियार करेंगे अश्मिता। तो ऐसे में एक ओर जहां अखिलेश यादव अपनी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सभी को इंतजार है कि इंडिया गठबंधन के नेता वो कौन से हैं जो अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में उनकी चुनावी जनसभाओं में और मजबूती इंडिया गठबंधन को प्रदान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल उमंग, यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार तंज कसती है। बीजेपी का कहना है कि कल तक जो एक आंख नहीं सुहाते थे वो आज एक परिवार के तौर पर जो है यहाँ पर मैदान में उतर रहे हैं। अगर हम माहौल की बात करें, क्या लगता है इंडिया गठबंधन के नेता उस तरह का माहौल बना पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जैसा बीजेपी बना रही है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या छोटे कार्यकर्ताओं की बात करें, सब एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, दिन रात जो है मेहनत यहाँ पर पूरी की जा रही है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो क्या इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो रही है? जश्मिता, देखिए बिल्कुल साफ तौर से अगर चुनावी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, अगर उनकी माने तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं का आगाज करने में काफी देर कर दी है, क्योंकि एक और
भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगने के कुछ दिन बाद से ही उत्तर प्रदेश में अपनी ताबड़तोड़ जनसभाओं की शुरुआत कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी जनसभाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 बड़ी जनसभाएं की है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो नेता है, अगर उन्होंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं का आगाज कर दिया होता तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की स्थिति जो थी वो काफी मजबूत नजर आती। लेकिन उत्तर प्रदेश में की अगर बात करें तो एक और भारतीय जनता पार्टी है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम दल हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है अश्मिता। तो अगर इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं तो जो समीकरण है वो इंडिया गठबंधन की ओर अभी कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती के साथ अपने प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभाओं में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। अब अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की ओर से उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाओं की कमान संभाली है। कार्यकर्ताओं में तो भारी उत्साह है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जो है उत्तर प्रदेश में अगर पहुंचकर जनसभा करते हैं तो उसकी रूपरेखा है वो एक अलग तरीके से तैयार की जाएगी और उसका एक माहौल अलग तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जब तक इंडिया गठबंधन के बड़े नेता उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचते हैं तो इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, अभी ये तो आने वाले वक्त में ही देखना खास होगा कि क्या रणनीति के तहत और क्या कुछ ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि काफी ज्यादा देरी से ये प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज 13 तारीख है, 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान होना है और अब जो है सभाओं की शुरुआत की है, रैलियों की शुरुआत की है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनता जो है किसके पक्ष में वोट करती है और क्या कुछ नतीजे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमंग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भी अब सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रचार प्रसार की तैयारी में जुड़ चुके हैं।